हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सुबह के बज के हैं 6 और भाई साहब पीछे कितना बढ़िया सा लग रहा है, खूबसूरत सा लग रहा है सुबह का। तो फिलहाल मैं अभी ड्यूटी से आया हूँ और मस्त रेडी हो गया हूँ, और क्योंकि भाई 5:30 बजे आया था ना, तो जल्दी जल्दी रेडी हो गया क्योंकि मुझे जाना है गोविंद क्या फरुखाबाद में, जो कि वहाँ डॉक्टर है ना। तो पता नहीं क्यों बुला रहा है, 1-2 दिनों से बुला रहा था, तो मैंने सोचा चले जाऊँ क्योंकि वहाँ वैभव भी है और राहुल भी है। तो फिलहाल देखते हैं कि उनका क्या प्लान है, अभी तो बताया कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ जाना है और मतलब फरुखाबाद से थोड़ा सा और आगे है ना, तो देखते हैं कि क्या प्लान है। और फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं यार, ब्लॉग जो है 2-4 दिन पे पड़ रहे हैं क्योंकि यार मैं अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि नेटवर्क ही नहीं मिल रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। मैंने जियो वाले कस्टमर केयर पर फ़ोन किया तो वो कह रहा है टेम्परेरी अभी चीज़ें हैं, तो फिलहाल ये सब सुधर जाएंगी। तो फिलहाल अभी तो यही हो सकता है, तो फिलहाल मैं फरुखाबाद चलता हूँ। मैं तो चल रहा हूँ बस में बैठने, और बस में बैठते हैं, देखते हैं बस कब तक चलती है, फिर फरुखाबाद पहुँचते हैं, फिर वहाँ से आगे देखते हैं कहाँ पहुँचना है। फरुखाबाद में तो मैं उतर गया हूँ और यार भाई साहब इतनी बुरी हालत हो गई, इतनी रोड बेकार थी कि वाइट शर्ट की येलो शर्ट बन गई। तो भाई साहब नॉन एसी से तो आना बिल्कुल ही बेकार है, एसी से आ सकते हो फिलहाल। तो फिलहाल अब मैं कायमगंज जा रहा हूँ अपने फ्रेंड का। मैं कायमगंज तो उतर गया हूँ और मैंने गोविंद को फ़ोन कर दिया। भाई साहब इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है कुछ कहने को नहीं। तो फिलहाल थोड़ी देर में अभी गोविंद आ रहा है, तो फिलहाल आई एम सो टायर्ड, तो भाई बिस्तर मिलते ही मैं तो पड़ ही जाऊँगा। भाई साहब मैं कॉलोनी तो आ गया हूँ, कॉलोनी में पीछे बच्चे बहुत ज़्यादा गेम खेल रहे हैं और भैया अंदर जा रहे हैं, और भैया बिस्तर मिलते ही पकड़ते ही मैं सो जाऊँगा, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। तो चलते, क्योंकि बताऊँ मैं ना, मैं कभी ना ऑर्डनरी गाड़ी से बरेली से और फरुखाबाद तो आया ही नहीं हूँ, एसी से आया हूँ। और उधर मतलब जब चल रहा गया था ना, 3 मंजिल तक ऊपर। 3 मंजिल? ओ यार तुमने वो नहीं रखा क्या? हाँ यार, तो बताऊँ आपको यार, मैं एसी से तो आया हूँ क्योंकि बनारस गया था ना, तो बनारस गया था तो हमको तो पता ही नहीं चला था बिल्कुल, और यार सोते सोते निकल गया था। लेकिन यार दिन में के टाइम आया हूँ और भाई साहब ऑर्डिनरी गाड़ी में कतई शरीर की बैंड बज गई है, और भैया अब चलना है यार, इसने भी बैंड बजा दी। 3rd फ्लोर पे है कहाँ रूम यार? अबे गया कहाँ? तो ऐसा है भाई गोविंद का रूम, बढ़िया यार, मस्त मिला यार, फ्लैट बिल्कुल। अरे कवि साहब, कवि साहब कवि साहब ऐसे पड़े हैं ये पंखा क्यों बंद कर दिया यार? अच्छा सुपर रखा है भाई, सही है अच्छे साफ करना, अच्छा है ना, सैलरी वैलरी। ओए गोविंद, सैलरी बता दो यार इसको, कितनी देते हो, आपको कितनी मिलती है? 2 लाख रुपए। और आप करते क्या हो? कुछ नहीं। इनको सैलरी कितनी मिलती है? तो फिर वो क्या कर रहा था? ये किसने बना दिया ये? अच्छा सही है, बढ़िया। ये नक्शा है एक्चुअली, ये खजाने का नक्शा है, वो सब लोग पता नहीं लगा पाएंगे। प्रैंक हो गया आपके साथ, अब आ ही नहीं रहा, रोता हुआ पहले आ रहा था। ए, 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 ये। प्रैंक हो गया यार, तुम यार गंदे हो। अब भी रो रहा है तो? क्यों अब भी रो रहा है? क्यों है? नहीं रोता, वो तो रो रहा है। तो फिलहाल फिर मैं जा रहा हूँ थोड़ी देर सोने, और सो के उठूंगा फिर देखते हैं क्या प्लान है। अच्छी तैयारी बनाई भाई, देखने तो काफी गजब की है, ज्यादा के चक्कर में थोड़ी बेची हो गई। फ्रेंड फिलहाल हम लोग उठ तो गए हैं और यार 5:05 बज गए हैं, और फिलहाल कहीं जाने का इरादा नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा थक गए हैं। और हम लोग उठ गए हैं, ये देख सकते हो आप लोग, वैभव, राहुल,
हाजर का गलुआ। राहुल तो फिलहाल अपने बड़े घर में है, तो फिलहाल अभी गोविंद के जो है ना हम लोग हॉस्पिटल में जाएंगे, तो फिलहाल अभी तो उठ चुके हैं हम लोग, तो गोविंद के हॉस्पिटल में चलेंगे, देखते हैं गोविंद का हॉस्पिटल कैसा है। और मैं आपको बता दूं ना कि फ्रेंड्स जो होते हैं ना, मतलब कुछ भी बन जाए, कुछ भी बन जाए, और जब साथ में रहते हैं ना तो बिल्कुल बचपना आ जाता है सबके अंदर। तो फिलहाल गोविंद जो है वो डॉक्टर है, तो हॉस्पिटल भी दिखाने चलते हैं उसका। हम लोग अब निकल रहे हैं यहाँ से। क्यों हम लोग हॉस्पिटल चल क्यों रहे हैं? मोबाइल को लपेट ले जाए तुम्हारा है? एक्चुअली हम लोगों को टेस्ट कराने हैं। तुम्हारे टेस्ट कराने पर नहीं, गोविंद तो होता है घूमने के लिए चल रहे हैं हॉस्पिटल। हॉस्पिटल कोई घूमने लायक जगह है? हाँ हाँ भाई, मजे आ रहे हैं किसके? हॉस्पिटल घूमने के लिए चल रहे हैं। अच्छा, हॉस्पिटल कोई घूमने लायक जगह है, समझ रहे हैं आप? चलो कोई बात नहीं, हॉस्पिटल भी घूम ही लेते हैं भाई। आज ही मुझे पता चला कि हॉस्पिटल भी घूमने लायक जगह है, तो पीछे जो है वो हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल के अंदर चलते हैं हम लोग। तो फिलहाल अब हम लोग अंदर एंट्री कर रहे हैं भाई। हॉस्पिटल कम और आलीशान महल ज्यादा लग रहा है भाई, बिल्कुल हवेली है। तो इसको अस्पताल बना दिया गया सही में, पहले महल ही था। अरे नहीं, क्या बात है, वाकई में यार बिल्कुल महल जैसा लग रहा है, और ऐसा लग ही नहीं रहा है बिल्कुल कि यही वो जगह है जहां पे पहले ने अपनी आखिरी सांस ली। नहीं, 5 साल देखिए कितना गजब का हॉस्पिटल है, और हम लोग हॉस्पिटल के अंदर चल रहे हैं। तुम्हारा क्या मैंने? बहुत सही, डॉक्टर लिखा है इसमें? नहीं, लिखा नहीं रहता। ओह, लिखा ऐसा सबको बताते हैं। मतलब देखो, ये डॉक्टर गोविंद की ड्यूटी चल रही है। यूपी 22 आपने देखा है ना मेरी वीडियो में, बिल्कुल सेम डिट्टो वैसे ही कुछ कुछ लग रहा है। तो यार मतलब कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत वैसा ही लग रहा है यूपी 22 की तरह, और बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि हॉस्पिटल है, ऐसा लग रहा है कुछ घूमने वाली जगह है। डॉक्टर गोविंद जी का होने वाला फ्लैट आपको लेके चल रहे हैं, और वो पीछे है ना, तो चलते हैं वहीं पे और होने वाला फ्लैट आपको दिखाने ले चल रहे हैं, क्योंकि अभी तैयार हो रहा है ना, तो तैयार अभी हुआ नहीं है, अभी शिफ्ट नहीं किया है ना उसने, तो जब शिफ्ट हो जाएगा तो भी आएंगे, लेकिन अभी फिलहाल होने वाला है ये फ्लैट, तो फिलहाल अंदर तो जा नहीं पाएंगे क्योंकि होने वाला फ्लैट है, है ना, है ना? ओ चलो हम लोग अंदर चलते हैं, फ्लैट के अंदर देखते हैं ये फ्लैट कैसा है। और थोड़ा बहुत डेंट पेंट का भी काम बाकी है ना, तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है, और देखो मतलब इतना सब खुला खुला भी लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। कोई भी मतलब आएगा बच्चे अच्छे जो हैं खेलने वेलने के लिए, वो भी काफ़ी गजब का है। ओ भाई कितने बड़े बड़े जनरेटर, मानना पड़ेगा यार, पीछे देखे क्या चीज़ है, चीज़ें हो रही तेरी तो यार, इधर तो बहुत गजब का सीन लग रहा है भाई साहब। ये पार्किंग एरिया है क्या? नहीं, ये ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ है। ऑक्सीजन प्लांट आने वाले टाइम में इसको मुझे वो बनाना है ना, क्या नर्सिंग कॉलेज पर। ओह
जल्दी तो खरीदी है मैंने। अरे भट्टे सही है, भट्टे की तो ईंटे यहाँ लगेंगी। भट्टा अपना ही है भाई मेरे, भट्टे की तो ईंटे लगेंगी यहाँ। धुआं धुआं है ही नहीं बिल्कुल इसमें, नहीं पॉल्यूशन रहित है। हम लोग जो है ना खेत में चल रहे हैं, अब खेत में जाए हैं, खेती भी होती है यहाँ पीछे। मतलब कहने का मतलब है रहो भी और खेती भी करो और खाओ भी यहीं पे, तो मस्त है। काफी पीछे आप देख सकते हो काफी गजब का मतलब बना हुआ है। और सब लोग ये देखो पीछे खेत की तरफ निकल रहे हैं, तो हम लोग खेत की तरफ चलते हैं। करौंदे का बाप, करौंदा। हम लोग यहाँ से तो निकल रहे हैं और जंगल वंगल तो घुमाए पूरा पीछे, और पीछे साइड में वो देख सकते हो कितना पूरा मतलब खूब बड़ा सा है बना हुआ है। मतलब काफी अच्छा लग रहा है ऐसा। देखो कैसे गोविंद भाग रहा है, अभी अभी हफ जाएगा ये, फिर भी भाग रहा है ये। कुछ मार्केट की तरफ चलते हैं। कौन सी मार्केट चलेंगे हम लोग? माल मार्केट। माल मार्केट, वहाँ क्या मिलता है? माल मिलता है। किस तरीके का माल यार? हर तरीके का, कच्चा माल और क्या माल। अच्छा कच्चा माल। और देखिए पीछे साइड में लाइटिंग कितनी बढ़िया लग रही है, काफी बढ़िया एक सीनरी लग रही है। सीनरी मैं आपको दिखाना जरूर चाहूंगा, अभी अभी जस्ट मैंने देखी है, क्योंकि जो है ना लाइटिंग हुई है तो काफी अच्छी लग रही है। अब हम लोग चल रहे हैं मार्केट की तरफ, मार्केट के लिए हम लोग ऑटो करते हैं। दोस्तों हम लोग इसी ऑटो से चढ़े थे, गए थे और इसी ऑटो से चले आए, तो फिलहाल हम लोग जो है अंदर अब चल रहे हैं। हम लोग रूम पे तो आ गए हैं, अब थोड़ी देर में हम लोग खाना ना बनाएंगे, क्योंकि मार्केट गए थे ना तो कुछ ज़्यादा खास टहले नहीं तो क्या ही दिखाते हैं, तो इसके लिए मैं कुछ खास दिखा नहीं रहा हूँ। तो फिलहाल रूम पे आया हूँ, कुछ खाना वाना बना के खा के उसके बाद सोएंगे, कल का देखेंगे क्या प्लान है। देखते हैं क्या क्या हो गया। वाह आटा मर गया है और तहड़ी झोंक गई, वाह भाई वाह। और इधर दाल बन रही है, दाल झोंक जाएगी बस फिर खाना रेडी। अब ये लोग डांस करने जा रहे हैं मस्ती में। सो गाइस फिलहाल बहुत ज्यादा रात हो गई है और यार बहुत ज्यादा हम लोग थक गए हैं। फिलहाल सुबह से तो मैं बिल्कुल भी रेस्ट कर ही नहीं पाया हूँ और बहुत ज्यादा मस्ती कर ली, और कल हो सकता है कहीं जाने का प्लान है। तो फिलहाल आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक फॉर वॉचिंग, बाय। कम में ही जाना।